भारतीयों आर सी एजु हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा टॉपिक वही था, उसका एक पार्ट बीच में बच गया था। टॉपिक का नाम था वही है बोर द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो ये टॉपिक है बोर द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो हमने इसका आधा पार्ट पढ़ लिया था, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि भाई इसमें जो लैम्बडा का जो मान आता है 1/λ बराबर जो आता है R/1/2 का स्क्वायर -1/N², यहाँ तक प्राप्त हो गया था। ये बोर ने अपने सैद्धांतिक आधार पे जो है ये मान निकाला था, तो ये बोर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ये वही समीकरण है जो इससे पहले रीड ब्रग नामक वैज्ञानिक ने ये सूत्र दिया था, इसलिए ये वही सूत्र है। अब देखो आगे, अब इसके बाद में बोर ने एक स्पेक्ट्रम बनाया जो कि उसमें 5 श्रेणियाँ होती हैं। देखो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ कि इसने जो स्पेक्ट्रम बनाया था बोर ने, वो किस तरह से प्राप्त होता है। देखो उसमें डायग्राम इस तरह से बनता है। अब मैं स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ कि बोर द्वारा स्पेक्ट्रम जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। देखिए डायग्राम इस तरह बनेगा उसका। वो देखो ऐसे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन देखो आप खींचनी, इसमें देखो आपको 7 लाइन आपको किसमें बनानी है, एक ऊपर ही लाइन आपको बनानी है। देखो बोर ने जो डायग्राम बनाया तो बताया था स्पेक्ट्रम के बारे में, वो देखो इस प्रकार से बताया था कि यहाँ पे इस प्रकार की इसमें 5 प्रकार की जो है श्रेणियाँ होती हैं। आपको यहाँ से शुरू करना है और एक एक लाइन को आपको करना है। तो ये जो श्रेणी है, ये श्रेणी बनेगी लाइमन श्रेणी। ध्यान दो, इसका नाम रहेगा लाइमन श्रेणी, ये रहेगी लाइमन श्रेणी। और उसके बाद में यहाँ पे यानी देखो नंबर 1 पे आती है लाइमन श्रेणी, नंबर 2 पे आती है बांबर श्रेणी और भाई नंबर 3 पे आती है पाषाण श्रेणी। तो ये है पाषाण श्रेणी। और भाई नंबर 4 पे आती है ब्रैकेट श्रेणी। और भाई नंबर 5 पे आती है फुंड श्रेणी। तो देखो, तो बोर ने बताया था कि जो इन 5 श्रेणियों का जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें इस प्रकार से श्रेणियां पाई जाती हैं। जैसे ये हमारी हो गई लाइमन श्रेणी, देखो यहाँ पे, हाँ तो ये हमारी हो गई लाइमन श्रेणी, ये बामर श्रेणी है, ये पाषाण है, ये ब्रैकेट है और ये फुंड है। तो ऐसे 5 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती हैं। और ये जो टॉप जो लाइन होती है, जो लाइन टॉप मोस्ट होती है, इसको कहा जाता है श्रेणी सीमा। ध्यान देंगे भाई, ये जो सबसे जो टॉप मोस्ट लाइन होती है इसे कहा जाता है श्रेणी सीमा। इस समय सेम रहेगी, इसे कहेंगे श्रेणी सीमा। और देखो यहाँ पे जो होती है लाइन, जो कक्षा होती है, आंतरिक कक्षा होती है, जैसे n का मान n1 हो गया, n2 n3 n4 n5 n6 n7 और लास्ट में n अनंत। ध्यान देंगे
यहाँ पे इधर कक्षाओं की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये है कक्षाओं की संख्या। और हम इनके सामने ये जो कक्षाएं हैं, हम इनके सामने इनकी ऊर्जा रख देंगे। तो अपन जानते हैं कि प्रथम कक्षा में जो ऊर्जा होती है उसका मान -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नंबर दो की बात करें तो -3.4 ईवी होता है। नंबर तीन पे -1.5 ईवी होता है। नंबर चार पे -0.85 ईवी होता है। और नेक्स्ट -0.544 ईवी होता है। और इस प्रकार से आगे यहाँ पे अगर इसका मान रखें, इसका मान लास्ट में इसका मान जीरो हो जाएगा। ये इधर कक्षाओं की संख्या है, आप देख पा रहे हैं ये कक्षाओं की संख्या है इधर, और ये उनके सामने उनकी ऊर्जाओं के मान रखे गए हैं। तो इस प्रकार से स्पेक्ट्रम बनता है। तो बोर ने बताया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 प्रकार की श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जो कि नंबर 1 पर आती है लाइमन श्रेणी, और नंबर 2 पे आती है बामर श्रेणी, और नंबर 3 पे आती है पास्टन श्रेणी, और नंबर 4 पे आती है ब्रैकेट श्रेणी, और नंबर 5 पे आती है फुंड श्रेणी। तो भाई ये इनके जो है स्पेक्ट्रम था। अब देखो ये जो आपका स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी श्रेणी कौन से भाग में पाई जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो श्रेणी होती है लाइमन श्रेणी, ये जो लाइमन श्रेणी है, देखो ध्यान दो, ये लाइमन जो श्रेणी हमारी है, जो लाइमन श्रेणी है ये पाई जाती है पराबैंगनी क्षेत्र में। सब ध्यान देंगे भाई, ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है पराबैंगनी क्षेत्र में। और देखो नंबर 2 पे है बामर श्रेणी भाई, तो बामर जो श्रेणी है, बामर श्रेणी पाई जाती है दृश्य क्षेत्र में, और इसका कुछ भाग पराबैंगनी क्षेत्र में भी पाया जाता है, ठीक है भाई। और देखो जो तीसरी श्रेणी बच गई, अब तीन दो बच गई, अब बच गई आगे यहाँ पे पास्टन, ब्रैकेट और फुंड, ये तीनों जो श्रेणी हैं, यानी तीसरी है पास्टन श्रेणी, और भाई नंबर 4 पे है ब्रैकेट श्रेणी, नंबर 4 पे ब्रैकेट श्रेणी है, और भाई नंबर 5 पे है फुंड श्रेणी। तो भाई ये जो पाई जाती हैं, ये तीनों श्रेणियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं अवरक्त भाग में, या अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इनमें ये जो श्रेणियाँ होती हैं, इनका जो क्षेत्र विशेष है, ये आपको याद रखना है सभी को कि भाई कौन सी श्रेणी किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये सब ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि भाई यहाँ भी श्रेणी है लाइमन श्रेणी, वो पाई जाती है पराबैंगनी क्षेत्र में, बामर होती है दृश्य क्षेत्र में पराबैंगनी में, और पास्टन और ब्रैकेट फुंड तीनों होती हैं अवरक्त भाग के अंदर। तो भाई इनके क्षेत्र हो गए। और देखो आगे अब इनका मैं सूत्र बताऊँ आपको, इन सभी का सूत्र तो इस प्रकार से होता है, 1/λ, देखो बराबर अगर लाइमन की हम बात करें तो ये आ जाएगा R into, और 1/ हो जाएगा देखो 1² -1/n² ध्यान देंगे, यह आ जाएगा 1² क्योंकि लाइमन श्रेणी नंबर 1 पे आती है, और इसके लिए जो n का मान है भाई देखो नंबर 1 तो यहाँ आ गया, ये होगा शुरू 2 से 2, 3, 4, यानी जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 2, 3, 4 कक्षा से जब प्रथम कक्षा में संक्रमण करता है तो उस अवस्था में विकिरण बाहर निकालता है, और उनसे जो श्रेणी बनती है उसे लाइमन श्रेणी कहा जाता है भाई। नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आती है भाई देखो बामर श्रेणी, नंबर 2 पे आती है देखो बामर श्रेणी। इसके लिए सूत्र होता है 1/λ बराबर R into 1/2² क्योंकि नंबर 2 पे आ रही, इसलिए 2² और -1/n² देखो इसके लिए जो n का मान है वो शुरू होगा 3, 4 ऐसे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 या 4 वाली कक्षा से जब दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है, छलांग लगाता है, इस अवस्था में जो श्रेणी बनती है उसे बामर श्रेणी कहा जाता है, और ये इसके लिए सूत्र होता है। देखो इसी प्रकार से नंबर 3 पे हम बात करें, नंबर 3 पे आती है पास्टन श्रेणी भाई, देखो नंबर 3 पे, तो नंबर 3 पे आती है पास्टन श्रेणी, इसमें होता है 1/λ बराबर R into या जाएगा 1/3² -1/n² ठीक है भाई। अधू यान का मान क्या हो जाएगा 4, 5, 6 कि जब इलेक्ट्रॉन
एन बराबर 4, 5, 6 से एन बराबर तीसरी कक्षा में संक्रमण करता है, उस समय जो श्रेणी बनती है उसे हम कहते हैं पास्तन श्रेणी। और देखो नंबर चार पे आती है, देखो ब्रेकेट श्रेणी नंबर चार पे, देखो ब्रेकेट में क्या होगा, इसमें हो जाएगा, देखो जो ब्रेकेट श्रेणी है यहाँ पे कर देखो नंबर चार पे है ब्रेकेट श्रेणी, देखो ब्रेकेट में क्या होगा इसके अंदर, इसमें हो जाएगा 1/λ बराबर r इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और n का मान शुरू होगा 5, 6 से अनंत तक। जब इलेक्ट्रॉन n बराबर यानी कि 5, 6 से n बराबर चौथी कक्षा में संक्रमण करता है, उस अवस्था में जो श्रेणी बनती है उसे ब्रेकेट श्रेणी कहा जाता है। और वही सबसे लास्ट में नंबर 5 पे आती है फुंड श्रेणी, और भाई इसमें सूत्र आ जाएगा 1/λ बराबर r इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और n का मान शुरू होगा 6, 7, 8 ऐसे। इस अवस्था में जो श्रेणी बनती है उसे कहते हैं फुंड श्रेणी। तो ये हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है और हमने इसकी व्याख्या की यहाँ पे बोर के द्वारा, और बाकी हम अगले टॉपिक में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।